नमस्कार, मी हेमंत जाधव, व्यवस्थापक मुंबादेवी मंदिर। मी या मंदिरामध्ये गेली 17 वर्ष कार्यरत आहे। आता सध्याच्या काळामध्ये शारदीय नवरात्र सुरू आहे, आज त्याचा 4th दिवस आहे। मंदिरामध्ये आज रविवार असल्या कारणाने प्रचंड गर्दी होती, अजूनही गर्दी संपलेली नाही। पहिल्या दिवशी सकाळी 7:30 वाजता घटस्थापना करून या नवरात्राची सुरुवात झालेली आहे। आता उद्या पंचमी आहे, पंचमीच्या निमित्त उद्या मंदिरामध्ये संध्याकाळी 6 आणि 6:30 च्या मध्ये दीपोत्सवाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। याच्यानंतर नवमीच्या दिवशी सकाळी 4 वाजता चंडी पाठाचा हवन होणार आहे आणि त्याची पूर्णाहुती सकाळी 10 वाजता होणार आहे। त्याच्यानंतर त्याच दिवशी 12:00 च्या नंतर दसरा महोत्सव आपण साजरा करणार आहोत। या उत्सवादरम्यान मंदिर प्रशासनाने सुरक्षिततेच्या सर्व उपाययोजना आखलेल्या आहेत, जसं की स्थानिक पोलिसांचा बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात आम्हाला मिळालेला आहे। आमचे जे सुरक्षा रक्षक आहेत त्यांची संख्या आम्ही वाढवलेली आहे। सध्या ऑक्टोबर महिना असल्या कारणाने हीट भरपूर आहे बाहेर, म्हणून 2 मोठे मंडप व्यवस्थित आम्ही उभे केलेले आहेत भक्तांच्या सोयीसाठी। पाणपोईची सोय केलेली आहे, सुरक्षा रक्षक मी सांगितलं तसं वाढवलेले आहेत। बॅग स्कॅनर आम्ही सुरक्षेचा उपाय म्हणून गेटवरती बसवलेले आहेत। भक्तांना माझ्याकडून या नवरात्रीच्या निमित्त मंदिरामध्ये मोठ्या संख्येने दर्शनासाठी यावं असं आवाहन आहे। सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजना जसं मी सांगितलं तसं प्रशासनाने घेतलेल्या आहेत, म्हणून लोकांनी मोठ्या संख्येने यायचं आणि दर्शन घ्यावं ही मंदिराच्या वतीने मी आपल्याला प्रार्थना करतो आणि नवरात्र उत्सवाच्या आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। श्री मुंबादेवी मंदिर विश्वस्त निधि द्वारा जैसे कि हर साल आश्विन नवरात्रि का बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है, लाखों की संख्या में भक्तों की फौज दर्शन के लिए आती है और एक झलक माँ की पाने के लिए यहाँ पर लोग तरसते हैं और एक लाइन लगा के खड़े रहते हैं। क्योंकि वर्ष भर की 4 मुख्य नवरात्रि होती है, उसमें आश्विन नवरात्रि और शारद चैत्र नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। उमादेवी मंदिर में आश्विन नवरात्रि में विश्व कल्याण के लिए एकोत्तर वृद्धि चंडी यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठान के अंदर में 15 ब्राह्मणों को द्वारा बैठाकर 450 पाठ होते हैं और संपूर्ण विश्व में कल्याण हो तद निमित्त माँ मुंबादेवी अन्नपूर्णा जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि सभी, क्योंकि जब जब भी ऋतु का परिवर्तन होता है उस समय में छोटी मोटी आदि व्याधि मनुष्य लोगों को बहुत परेशान करती है। जब जब भी ऋतु परिवर्तन का जो मूल काल होता है उस समय में, तो वर्ष भर में जो 4 नवरात्रि होती है ये संधि काल है, उन्हीं संधि काल में देवी का आराधन करके शक्ति प्राप्त करते हैं और सभी रोगों से मुक्ति मिले उस हेतु माँ से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मुंबई जो है वो माँ मुंबादेवी के नाम पे मुंबई का नाम पड़ा है और माँ मुंबादेवी जो है रावण के मामा मारीच की कुलदेवी के रूप में भी प्रसिद्ध है। वेदों में जिन्हें भूमि माता के रूप में पूजा गया है यही माँ मुंबादेवी है। ये मुंबई रूपी कच्छप के ऊपर ललितांबा महात्रिपुर सुंदरी के रूप में विराजित है। मुंबई की सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से माँ मुंबादेवी रक्षा करती है। ऐसा माना गया है मुंबई में कभी कोई भूखा नहीं सोता है, कहीं न कहीं पे माँ अन्नपूर्णा विराजित है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चकारे। माँ अन्नपूर्णा की ही कृपा से मुंबई में कोई भूखा नहीं सोता है और
यहाँ पर जो नैमित्तिक रूप से कर्म होते हैं तो भक्तों के दर्शन में जो आने वाले उनका भी कल्याण हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आ पाते हैं, अपने घर पर रहकर भी माँ का आराधन करते हैं, उनका भी कल्याण हो। जो भी अपने मुंबई में, महाराष्ट्र में, हमारे भारतवर्ष में जो भी लोग हैं, सबका कल्याण हो। उस हेतु से विश्व कल्याण के लिए एकोत्तर वृद्धि चंडी याग अनुष्ठान प्रथम दिन से आरंभ होता है और नवमी पर्यंत ये उत्सव चलता है। नवमी के दिन नारी श्रीफल का पूर्णावति का हवन किया जाता है। इसमें नैमित्तिक रूप से हमारे मंदिर के एक पुजारी बैठते हैं और उनको व्रत, जो में व्रत में रहते हैं वो व्रती महाराज जो पुजारी जी रहते हैं उनके द्वारा उनके हाथ से नवावरण पूजा की जाती है। नवावरण पूजा मतलब कि देवी की पूजा में सबसे बड़ी पूजा है। इसमें अंतरमातृका, बहिर्मातृका, षोडश न्यास इत्यादि, एकादश महान्यास इत्यादि होते हैं। भूशुद्धि भूतशुद्धि संपूर्ण करने के पश्चात देवी का पात्रा साधन में यंत्र का पूजा होता है, पात्रा का साधन होता है। पात्रा साधन के पश्चात देवी की महापूजा राजोपचार पूजा होती है। इस राजोपचार पूजा में नवावरण पूजा करते हैं। ये देवी को अति प्रिय है, ये नैमित्तिक रूप से डेली ये पूजा करके माँ मुम्मा देवी से प्रार्थना करते हैं कि माँ हम ये जो पूजा कर रहे हैं आप स्वीकार करके संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आप कृपा बरसाएं। हमारे मुंबई मुम्बा देवी विश्वस्त निधि में हमारे जो मैनेजर साहब है हेमंत जी जाधव, उन्होंने यहाँ पर मुंबई में मंदिर में आने वाले भक्तों के किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो तद हेतु बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और बहुत से वॉलंटियर्स यहाँ पर माँ की सेवा में निस्वार्थ भाव से आते हैं। पुलिस बल का भी बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है। सबके सहयोग से माँ मुम्बा देवी के दर्शन में आने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो और उनको अच्छे से उनका दर्शन हो तद हेतु सब लोग अपनी निस्वार्थ सेवा प्रदान करते हैं। मुम्बा देवी मंदिर में पहले दिन से लगा के लास्ट दिन का जो भी आयोजन होता है इन सभी में बाहर से ब्राह्मण बुलाए जाते हैं। चार वेदों के पारायण होते हैं। 8 से लगा के शाम को 8 बजे तक चारों वेद के पारायण करके माता जी से प्रार्थना करते हैं कि माँ सबका कल्याण करना। और यही अनवरत हमेशा से चलता आया है और माँ की यही सेवा चलती रहे। मुंबई की जैसे हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं से माँ मुम्बा देवी आपने रक्षा की है, वैसी ही रक्षा आप हमेशा प्रदान करते रहना। इस मुंबई को हमेशा प्राकृतिक आपदा सुरक्षित रखना, सभी प्रकार से सुख समृद्ध रखना, इस महाराष्ट्र का खूब आगे बढ़ाना, हमारे भारतवर्ष को आगे बढ़ाना, हमारे विश्व में सुख शांति रहे, किसी प्रकार का कोई युद्ध आदि न हो, ऐसी हमारी माँ मुम्बा देवी से प्रार्थना है। जय श्री।